टीवी इंडस्ट्री में अफेयर, शादी और तलाक होना कोई नई बात नहीं है। ऐसे कई केस आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे जहाँ शूटिंग के दौरान दो कलाकारों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, फिर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हुए ये लोग घर वालों के खिलाफ जाकर शादी भी कर लेते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही लव मैरिज कामयाब हो पाती हैं। तो आज हम हमारी इस वीडियो में बात करेंगे टीवी की कुछ एक्ट्रेस की जिन्होंने माँ बाप के खिलाफ जाकर अपने बॉयफ्रेंड से शादी रचाई, लेकिन बाद में उन्हें सिर्फ पछतावा ही झेलना पड़ा। आइए जानते हैं इस एक्ट्रेस के बारे में। नंबर 5, दीपिका कक्कड़। दीपिका ने साल 2011 में टीवी सीरियल ससुराल सिमर का से अपने करियर की शुरुआत की। इस सीरियल के दौरान ही अपने बॉयफ्रेंड रौनक सैमसंग से लव मैरिज की, लेकिन दो साल बाद ही 2015 में आपसी मतभेद के चलते तलाक की नौबत भी आ गई। और उसके तीन साल बाद साल 2018 में दीपिका ने अपने को एक्टर शोएब इब्राहिम से निकाह कर लिया। नंबर 4, रश्मि देसाई। रश्मि टीवी के मशहूर एक्ट्रेस में से एक है। इन्होंने कलर्स के सुपरहिट शो उत्तरन से छोटे पर्दे पर कदम रखा था। इस शो में उनके किरदार का नाम तपस्या था, जो आज भी पॉपुलर है। रश्मि ने सीरियल में अपने को एक्टर नंदीश सिंह से साल 2012 में शादी की थी। दोनों ने शादी सीरियल के दौरान ही कर ली थी, लेकिन चार साल बाद 2016 में आपसी मतभेद के चलते इनका भी तलाक हो गया। फिलहाल दोनों ही अब तलाकशुदा जिंदगी जी रहे हैं। नंबर 3, रुबीना दिलाई। रुबीना छोटे पर्दे पर हिट अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती है। उन्होंने सीरियल छोटी बहू से अपने करियर की शुरुआत की थी और इसी दौरान वो अपने को-एक्टर अविनाश सचदेव को दिल दे बैठी। कहा जाता है कि घर वालों के लाख मना करने के बावजूद रुबीना ने अविनाश के साथ रिश्ता नहीं छोड़ा, लेकिन जल्द ही यह रिश्ता टूट भी गया। अविनाश ने शाल्मली देसाई संग शादी रचाई और कुछ सालों बाद अविनाश ने शाल्मली को भी तलाक दे दिया। वही बीते साल रुबीना ने एक्टर अभिनव शुक्ला से शादी कर ली। नंबर 2, डिंपी गांगुली। मोस्ट पॉपुलर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस फेम अभिनेत्री डिंपल गांगुली ने भी लव मैरिज की थी। डिंपी की मुलाकात राहुल महाजन से उनके स्वयंवर के दौरान हुई। यहां डिंपी ने उनसे शादी कर ली, लेकिन उनकी लव मैरिज महज 5 साल ही चली। उसके बाद तलाक हो गया। 2015 में डिंपी ने अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर ली। नंबर 1, जेनिफर विंगेट। जेनिफर विंगेट टीवी की मोस्ट ग्लैमरस अभिनेत्रियों में से एक है। दोस्तों, जेनिफर ने प्यार करके शादी तो कर ली, लेकिन कुछ ही सालों बाद ये खूब पछताई भी। दरअसल 2010 में शो दिल मिल गए के दौरान एक्टर करण सिंह ग्रोवर से जेनिफर को प्यार हो गया। फिर क्या, कोई देर ना करते हुए दोनों ने शादी कर ली, लेकिन ये शादी महज 2 साल टिक पाई। ये शादी साल 2012 में हुई थी और 2014 में टूट गई। वही 2016 में करण ने बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु से शादी कर ली और आज ये जेनिफर अकेली है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, किस अभिनेत्री ने अपने पति से तलाक लेकर सबसे अच्छा फैसला किया? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही टीवी से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।